हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, थोड़ा सा बाज़ार। तो चलिए जाते हैं बाज़ार में, मिलेंगे थोड़ी देर बाद। करनी है किसी चीज़। तो फ्रेंड ये देखिए, आज आ गए हम दूसरे दिन। आज है हमारी बिटिया रानी का बर्थडे। टाइटल देख के आप लोग को पता ही चल गया होगा। और जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं, ये हम जा रहे हैं बनाने मिक्स वेज की सब्जी, जिसकी रेसिपी आप लोग से शेयर करेंगे। इसके लिए हमने लिया है गोभी, आलू, प्याज। 3 आलू लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं, बीन्स लिए हैं थोड़ा सा, और जो है शिमला मिर्च, 3 कैरेट लिए हैं, और ये देखिए थोड़ा सा मटर, और आधा जो है पत्ता गोभी, और 2 टमाटर। सारे चीज़ हम लंबे लंबे काट लिए हैं। और अदरक लहसुन का हम पेस्ट नहीं बनाए हैं, इसको कूट के लिए हैं। और जो है पेस्ट, हर सब्ज़ी में पेस्ट नहीं अच्छा लगता है। तो चलिए बनाते हैं मिक्स वेज की सब्ज़ी। और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, जो भी खाया था बहुत ही तारीफ़ किया था। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ये देखिए हमने गैस पर रख दिया कढ़ाई। पहले हम अपनी गोभी को फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इस टाइम की गोभी को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए पहले हम इसे ही फ्राई करके निकालेंगे। ये देखिए हम अपनी गोभी फ्राई कर ले रहे हैं, और ये हमारी गोभी हो गई है फ्राई, जो मतलब अधपकी सी हो गई है। इसको जो है अब हमें निकाल लेना है। और इसी तरह से इस तरफ देखिए हम अपना खीर पका रहे हैं, और खीर की रेसिपी हम शेयर कर दिए हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो फटाफट से हम बना रहे हैं, क्योंकि 4 बजने वाले हैं, और शाम की भी तैयारी करनी है, केक भी बनाना है घर पे। तो ये देखिए, उसके बाद गोभी निकाल लिए, आलू को फ्राई कर लिए। अब इसी में हम अपने गाजर को फ्राई कर लेंगे। जो सब्जियां ज़्यादा देर में पकेगा वो हम अलग अलग किए हैं, और ये सब हम इकट्ठे बीन्स और गाजर थोड़ी थोड़ी देर पर 1-1 मिनट के बाद दोनों इकट्ठा करके हम फ्राई कर लिए हैं। और इसी में हम अपने शिमला मिर्च भी ऐड कर लेंगे इसी सब्जी में। ये तीनों हम साथ में फ्राई कर लेंगे। और फ्रेंड यकीन मानिए, बहुत ही यम्मी सब्जी बना था। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस सब्जी को। तो ये देखिए हम जो है शिमला मिर्च इसमें कर लिए, और फ्राई हो गया है हमारा ये शिमला मिर्च। और सेम कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें जीरे का तड़का दे दिए हम, हरी मिर्च और प्याज भी डाल दिए हैं। और इसे हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस इस कलर चेंज होने तक ही हमें इसे फ्राई करना है। उसके बाद इसमें हम अदरक लहसुन जो कूट के रखे हैं उसको हमें मिला देना है। और ये देखिए अब इसमें हम अपना अदरक लहसुन और लंबे लंबे हरी मिर्च काट के रखे थे वो भी ऐड कर दिए हैं। और ये देखिए हम इसे भून लेंगे खुशबू आने तक। इधर हमारी खीर एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी खीर भी बनी थी। और ये देखिए हमारा जो है प्याज, अदरक लहसुन, हरी मिर्च ये भुन गया। बस इतना ही हमें भुनना है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं भुनना है, नहीं तो जो है मिक्स वेज का टेस्ट मतलब दूसरी तरह से आएगा अगर आप ज़्यादा भून देंगे तो। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और इसमें अब हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर जो है लंबा लंबा हमने काट के रख लिया था। और इसमें अब हम मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमने हल्दी लिया है, सब्जी मसाला ऐड किया है। मसाले हम अपना भून लेंगे। एक किचन किंग का मसाला था, बहुत ही मतलब एक बहुत अच्छा मसाला होता है, बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। और ये देखिए हमने मसाला भून लिया। इसमें अब हम अपने कैबेज डाल देंगे जो कि काट के रखे थे। इसे फ्राई करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तो इसमें हम अपने मटर ऐड कर लिए हैं फ्रेंड। और ये देखिए जो हमने सब्जी फ्राई करके रखा था, सारी सब्जियों को हम इसमें मिला लेंगे। और मसाला भी भुन गया था तो हम सब्जी डाल लिए, और ये सब्जी भी डाल ली। अब इसे हमें पकाना है। ये देखिए देखने से कितना अच्छा लग रहा है, एकदम लग रहा है रेस्टोरेंट की तरह मिक्स वेज। और टेस्ट भी बहुत ही, उससे भी अच्छा टेस्ट बना था इसका। इसमें नमक ऐड कर देंगे, नमक स्वाद के अनुसार आपको ऐड करना है। ये देखिए हमारी सब्जी जो है तैयार हो गई है। इसे थोड़ा सा और हमें पकाना है। इसे हम 2 मिनट के लिए और ढक देंगे।
ये देखिए फ्रेंड, हमारा जो है सब्जी भी बन गया है और खीर बन गया। अभी हमें पनीर की सब्जी बनाने हैं, उसकी भी रेसिपी नहीं शेयर की, अभी बहुत कुछ करना। और इधर फिर से हम आ गए अपने किचन में, और इधर हमारी सब्जी हो गई है, उस तरफ जो है अपने पनीर की सब्जी की तैयारी कर रहे हैं। उसमें प्याज लहसुन मतलब जो होता है बेसिक चीज़, उसको हम पहले फ्राई करेंगे और अद पका हो जाएगा, फिर ग्राइंडर में उसको हम ग्राइंड करेंगे। तो फ्रेंड मतलब ज़्यादा हम नहीं शूट कर पाए क्योंकि अकेले रहने पे कितनी जिम्मेदारी हो जाती है आप लोग को पता ही चलेगा। और आई थी हमारी सिस्टर, आई थी दो बाद में आई हैं, और हम अपनी तैयारियां जो हैं पूरा पहले से ही करके तैयार कर लिए थे, क्योंकि जब आदमी खाना बनाने में लग जाता है तो एंजॉय नहीं कर पाता है। और इसी के वजह से देखिए हम अपना खाना बना लिए, उसके बावजूद हम मतलब अपना कपड़ा नहीं चेंज कर पाए थे, रात तक इसी कपड़े में रह गए थे। इधर हम जो है केक बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को घर का केक बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और दो दो केक हो गया था, आगे आप देखेंगे ही। ये देखिए हम इधर केक की तैयारी कर रहे हैं, किसी दिन केक की रेसिपी आप लोग से शेयर करेंगे, आज नहीं किए हैं क्योंकि आज थोड़ा जल्दी था। इधर हम केक की भी तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए हमारी मिक्स वेज की सब्जी एकदम परफेक्ट हो गई बनके तैयार, और आप लोग एंजॉय करिए। एकदम तैयार, बहुत ही अच्छी सब्जी बनी थी। इधर देखिए बच्चों ने कितना अच्छा डेकोरेशन किया है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है। और ये जो बड़ी बेटी है सरप्राइज, ये देखिए फ्रेंड बन गए, बच गए हैं शाम के 7:30, और हमारा हर चीज़ हो गया तैयार। सैलेड भी हो गया, खीर, मटर पनीर और मिक्स वेज की सब्जी। कलर थोड़ा ऐसा आ रहा है क्योंकि लाइट कम है। और ये चावल और दाल भी हमने बनाया था, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को दाल पसंद है। दो तरह का मैंने एक कचौड़ी बनाई थी पालक की और एक पूड़ियाँ। तो देखिए हमारा सब चीज़ हो गया एकदम रेडी। थोड़ी सी पूड़ियाँ भी हम तल लेंगे और थोड़ा बाद में तलेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को अगर भूख लग जाती है तो जो है जल्दी खाना मांगते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम।